हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। मैं हम लोग चैनल SVN07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों को अपने गांव की ओर जाने वाला रास्ता दिखाने वाला हूं, क्योंकि अपने गांव में जाने के लिए बढ़िया सीमेंट का रोड बना हुआ है। सो उसी के रास्ते होते हुए हम लोग जाएंगे, तो क्या क्या नज़ारा देखने को मिल सकता है तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। गाइस, आप लोग जहाँ भी रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मेरी आप लोगों से ही दुआ है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। गाइस, आइए चलते हैं गाँव की और रोड का ही दिखाऊँगा भाई, गाँव का इसीलिए। और रोड कहाँ तक, यहाँ से 100 किलोमीटर है। वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, तो देखते हैं कैसे लग रहता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा रोड कैसा है अपने गाँव की ओर जाने वाला। गाइस, ये आप देख सकते हो, ये अपने गाँव जाने का रास्ता है। इसी रास्ते से होकर हम लोग अपने गांव घर की ओर जाते हैं। और ये वाला इधर का सीधा सुखमा जाने का रास्ता है। और इधर जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये वाला रास्ता जगदलपुर से आते हैं। और यहाँ से होते हुए फिर अपने घर की ओर जाते हैं। गाइस, तो आइए चलते हैं, वीडियो बने रहिए। ये रोड आप लोग जो देख रहे हो, ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का रोड बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन रोड अभी थोड़ा ख़राब होते जा रहा है, लगभग बन के 10 साल हो गया भाई। आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा दोनों ओर जंगल है। और इस जंगल को थोड़ा सा पार करने के बाद फिर अपने गांव का खेत में स्टार्ट होता है, जो है आप लोगों को रोड के किनारे दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत सा रोड बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, सिक्का बहुत ही बड़ा है सरगी का। आप देख सकते हैं सामने पुलिया है, पर हम लोग अभी पहुँच चुके हैं गांव वाले। इधर गाय चरा रहे हैं भाई, ये देख सकते हो। यहाँ पर माध्यमिक शाला और कुपा है, आप देख सकते हो। इधर अपने गांव का स्कूल है, जो देखिए यहाँ से डामरीकरण स्टार्ट होता है। पूरा गांव का इलाका यहीं से गांव स्टार्ट होता है भाई, देख सकते हो। गांव में सबसे ज़्यादा चिंद के वृक्ष लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। गर्म दिख रहा है, इस प्रकार से गांव में लोग रहते हैं, देख सकते हो। इधर एक रोड गया है आगे जाने का, ये रोड भी फिर आगे जाता है, आगे गांव को। ये पूरा डामरीकरण हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये आप जो दिख रहा है, पंचायत भवन है। ये आप देख सकते हो, प्राथमिक शाला कौरकुप्पा है, जो गाँव पर लगा हुआ है। भाई, आप लोगों को यहीं तक वीडियो दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो,